ग्रामीण के हल्दीराम में राज ऋषि भृतहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र सहित डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और वन मंत्री संजय शर्मा सहित यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सील सिंह पांडे ने शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम की शुरुआत विश्वविद्यालय परिसर में बने संविधान गार्डन का उद्घाटन राज्यपाल कलराज मिश्र के नेतृत्व में किया गया। साथ ही राज्यपाल कलराज मिश्र ने संविधान पार्क का अवलोकन किया। चतुर्थ दीक्षांत समारोह कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ की गई। कार्यक्रम में 48 विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधि दी गई, साथ ही 107 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल दिए गए। और आप सबों के साथ सम्मिलित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति भी हो रही है। मैं दीक्षांत समारोह की आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि राज ऋषि भृतहरि की इस पावन धरा पर वर्ष 2012 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इस विश्वविद्यालय की स्थापना में सुखद यह है कि अपनी शैशवावस्था से अब यह तेजी से परिपक्वता की ओर आगे बढ़ रहा है। यहाँ शिक्षा के साथ साथ शोध एवं अनुसंधान के क्षेत्र में महती कार्य किए गए। 5 विषय राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, अंग्रेजी, इतिहास एवं गणित विषय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवर्ष 1.25 लाख से अधिक विद्यार्थियों की परीक्षा आयोजित की गई की जाती है। और खुशी की बात है कि राजश्री भृतहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर शिक्षा के क्षेत्र में अपना प्रमुख योगदान दे रहा है।